उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम में 100वें राष्ट्रीय वैज्ञानिक बकरी पालन प्रशिक्षण और बकरी मेला का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने किताबों का भी विमोचन किया है, किट बांटे गए हैं। मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें बड़ी खुशी होती है जब महिलाएं कृषि क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। जिलाधिकारी महोदय, हमारी मुख्य अतिथि ये आई, कोई काम का हम आरंभ करते हैं तो मुश्किल तो आएगी, लेकिन इस प्रकार की मुश्किलियां है उस सर्जरी करके करके हमें आय में बढ़ोतरी होती है। मैंने पूछा हमारी महिलाओं को कितनी बकरियों का पालन किया। विगत 43 वर्षों से संस्थान सीधे तौर पर लघु सीमांत एवं भूमिहीन किसानों की आजीविका और कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकों पर भी लगातार शोध जारी रहता है। आप सभी जानते हैं कि बकरी के दूध को औषधि कहा जाता है। यह दूध नवजात शिशु सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ उपस्थित सभी किसानों की तरफ से मैं आपका हाल स्मरण किया और उद्यमी बने और वो हमारे लिए मॉडल यूनिवर्सिटियों का भी अनुरोध रहा है। पिछले 10-15 साल में तो मेरे साथ इस बुलेटिन में यही तक। बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।